तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कच्चे पपीते से एकदम स्वादिष्ट चटपटे स्नैक्स रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो लाइक से कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, इसको हमें अच्छी तरह से पील कर लेना है। इसको हम छील लेंगे। तो ये जो रॉ पपीता है, इससे आप फास्ट के लिए भी मंगोड़े ये पकोड़े बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो चलिए इसे पेल कर लेते हैं अच्छी तरह से। मेरे पास एक पपीता रखा था, तो उसको मैंने अच्छी तरह से छील कर रखा हुआ है और अंदर से भी साफ़ करके रखा है। तो इसको क्या करें, जब भी पपीते को छीले आप, तो उसको कट करने के बाद में अंदर साइड से नाइफ की हेल्प से अच्छे से खरोच लीजिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी छोटी छोटी सी सीड्स रह जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें कड़वापन आ सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान से अंदर से अच्छे से साफ कर लीजिएगा, इस तरह से जिस तरह से मैंने किया है। और इसको एक पानी अच्छे से धो लीजिए। तो मैंने यहाँ पे धो कर रख लिया था। अब यहाँ पे ले लेंगे कटर, और इससे हम सबसे पहले तो ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा मोटा भी नहीं है ग्रेटर हमारा, ना ही ज़्यादा एकदम बारीक है, मीडियम साइज़ का है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रेट करेंगे इसको। बहुत ईजी है, और इसके जो स्नैक्स बनेंगे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरे यहाँ पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आधा मैंने यहाँ पे थोड़े से छोटे पीसेस बचा दिया है नेक्स्ट रेसिपी के लिए। तो नेक्स्ट रेसिपी फ्रेंड्स मैं बहुत जल्द डालूंगी आपके लिए, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक दूसरे बाउल में पलटा दिया है। अब यहाँ पे डालेंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप चटपटा खाना कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जीरा डाला हुआ है, और यहाँ पे हम चावल का आटा यूज़ करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चावल का आटा डालने से एकदम क्रिस्पी बनेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बेसन यहाँ पे डाल देंगे 4 टू 5 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। अगर बेसन नहीं है तो भी आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। 2 बड़े प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च लिया है 7 से 8, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो नमक मैं यहाँ पर 1.5 टी स्पून डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया। तो यहाँ पे जो भी हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, जो आपके किचन में अवेलेबल है वही चीज़ें हमने यहाँ पे डाला है। बिल्कुल भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप चावल के आटे से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी एकदम क्रिस्पी बनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे, बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। इसमें बेसन नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चल जाएगा, या अगर आप चावल का आटा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो दाल को फूलने के लिए रख दीजिएगा, और उसके भी आप बनाएंगे ना बहुत टेस्टी लगेंगे। तो चलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि पपीते में कितना पानी निकलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, और देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से कोट नहीं हुआ है जो पपाया हमने ग्रेट किया है। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा 1 बाउल डाल देंगे अभी, और इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और जिस तरह से हम बड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे बैटर को रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, और इस समय पे हमें पता चलेगा कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है कि नहीं, ये भी होना चाहिए। अगर बाइंडिंग तरीके से नहीं होएगी तो क्या होगा, जब आप तेल में डालेंगे ना इसको, तो एकदम से फैल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पर ये मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें चावल का आटा लगेगा या नहीं। तो देखिए, आप बेसन ही बेसन के भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि चावल के आटे से ही बनाना है, बट अगर चावल का आटा डालेंगे तो बहुत क्रिस्पी लगेंगे। इसमें अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि ठीक तरीके से कोट नहीं हुआ है। अगर हम कम डालेंगे तो, आपको मैंने पहले भी बताया था, कम डालने से क्या होता है कि तेल में जैसे ही हम डालेंगे तो ये जो पपीते के रेसेस हैं वो फैलने लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ, 4 टू 5 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर चावल का आटा डाल दिया है, और इसे मैं अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप क्या करें, इसमें सिंगाड़े का आटा डाल सकते हैं, या फिर राजगिरे का आटा, जो भी आटा आप व्रत में यूज़ करते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे। आप बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। अभी व्रत चल रहे हैं तो इस समय पर आप बना सकते हैं, और वैसे भी जो कच्चा पपीता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और जो प्याज है वो, जो जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं व्रत में, वो चीज़ें आप ना डालें। पानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही लगा है, आधा गिलास के करीब मुझे पानी लगा है, इससे ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया है। और ये परफेक्ट यहाँ पे हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम ढाक के करीब 10 मिनट के रेस्ट करने रख देते हैं, तब तक हम यहाँ पर चटनी रेडी कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे पहले तो टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, और मैंने मीठी चटनी भी बना के रखा हुआ फ्रेंड, जो कि आप झटपट बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं, बहुत ही ईजी। अगर इमली नहीं है तो आप मीठी चटनी ज़रूर ट्राई करें, मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे आपको ज़रूर मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे तो हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं। टमाटर को क्या करें, गैस के ऊपर इस तरह से भून लीजिएगा, तो इसका जो टेस्ट आएगा चटनी में बहुत ही शानदार आएगा। तो इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने बहुत से ऐसे स्नैक्स डाला है जिनके साथ में मैंने चटनी की रेसिपी अलग अलग तरीके की डाली हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी चटनी की रेसिपी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टमाटर के रस को अलग निकाल लेना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके रस को अलग क्यों कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना, चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और इसके रस को हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 3 से 4 लिया है, और वैसे भी जो चटनी है ना थोड़ी तीखी खट्टी रहती तभी मज़ा आता है। हरी धनिया डाल देंगे डंठल सहित। आप जब भी चटनी बनाएं तो डंठल बिल्कुल ना फेंके, ज़रूर डालिए चटनी में, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। नमक मैंने यहाँ पे सेंधा वाला थोड़ा सा लिया है 1/4 टीस्पून, और जो हम डेली यूज़ करते हैं वो वाला नमक ले लिया है 1/2 छोटी चम्मच। नींबू का रस 1 टेबल स्पून लिया है। नींबू का रस डालने से चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा दही भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी चटनी जो है पीस कर रेडी हो चुकी है। तो ये जो टमाटर का रस हमने अलग निकाला था, इसी बाउल में हम चटनी को पलटा देंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। टमाटर अगर अच्छे भुने हुए हैं तो उसका स्वाद जो है चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए साइड में रख देते हैं, और गैस के ऊपर कढ़ाई रख दिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो अगर आप कम ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा सेलो फ्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए चेक कर लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ है क्या नहीं। तो तेल जो है बहुत ही अच्छे से परफेक्ट गर्म हो चुका है, खूब ज़्यादा भी हमें हॉट नहीं होने देना है, नहीं तो जैसे ही हम डालेंगे ना तो क्या होगा कि जलने लगेगा। चलिए बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया है, बिना इसके बनाएंगे, पहले ऐसे बनाकर आपको मैं दिखा दूँ। वैसे तो ये भी अच्छे बनेंगे बट डालने से बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर पकौड़े के शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे बड़े के शेप में बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना फ्रेंड, जब भी अगर आप बड़े तलते हैं तो मीडियम फ्लेम पे तलेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखा हुआ है, और जो बड़े हैं हमारे बहुत अच्छे से सिक चुके हैं देखिए, और एकदम क्रिस्पी लगने लगे हैं, देखने से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रख देंगे, इससे क्या है कि ऑयल जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि हमारे जो बड़े हैं या पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। गरम गरम तेल इसमें डालेंगे, 1 से थोड़ा सा 1/2 लेंगे, और तो इससे क्या है ना, जब भी आप पकोड़े या फिर बड़े बनाते हैं तो एकदम क्रिस्पी करारे बनेंगे फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़े से पकौड़े साइज़ के बना के देखती हूँ, बहुत ही बढ़िया से दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो मेरा बेटा है उसको इस तरह के पसंद है, और बाकी सब लोगों को बड़े के सेप में पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 तरह के बनाती हूँ। जब भी मैं इस तरह के स्नैक्स बनाती हूँ, भाजी बड़े हो गए, मैदू बड़े, तो मैं ज़रूर ये मंगोड़े सेप में ज़रूर डालती हूँ। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लाइक कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है और एक नई नई रेसिपी लेकर रहेंगे इस तरह की। तो प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे जो बड़े हैं मंगोड़े हैं ये बनकर रेडी हो चुके हैं। साथ ही मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च तल लेती हूँ, क्योंकि खाने का मज़ा तो हरी मिर्च के साथ में ही आता है, साथ ही मीठी चटनी हरी चटनी मिल जाए तो फिर तो बात ही कुछ अलग रहती है। तो चलिए यहाँ पर शर्व कर लेते हैं, शर्विंग प्लेट में निकाल लिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे रख देंगे जो हमने बड़े बनाए थे वो रख देंगे, और जो हमने पकोड़े बनाया था वो भी रख देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे मीठी चटनी ग्रीन चटनी दोनों रखी हुई है। तो फ्रेंड्स इस मीठी चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको ज़रूर दे दूँगी, या फिर मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, बीच में मैंने कुछ स्नैक्स डाला हुआ है, उसके साथ में मैंने इस मीठी चटनी की रेसिपी दिखाई है।
और ये हरी चटनी की रेसिपी तो अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। दोनों चटनियों के साथ में खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मैं आपके लिए नए वीडियो के साथ में वापस आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ज़रूर करें और आपकी मैं उस कमेंट को लाइक ज़रूर करूँगी और साथ ही चैनल की तरफ से हार्ट वीक ज़रूर दूँगी। हैप्पी नवरात्रि।